किसी गैस की इंटरजी की इक्वेशन गिवन है, यू इज इक्वल टू 5 + PV 2 PV. क्वेश्चन की लैंग्वेज से इट एक्सपैंड फ्रॉम वी नॉट टू 2V0 अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ पी नॉट. तो पहले इनिशियल इंटरजी निकाल लेते हैं, प्रेशर की जगह पी नॉट, वॉल्यूम की जगह वी नॉट, और एक बार फाइनल इंटरजी निकाल लेते हैं, प्रेशर की जगह पी नॉट, वॉल्यूम की जगह 2V0. एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से चेंज इन इंटरजी आ जाएगा 3P0V0. वर्क डन इज गिवन बाय PV, सो दिस इज PV. क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द प्रोसेस. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें, DQ इज इक्वल टू DU + DW. 4 - 2 = 2. दिस इज 2P0V0 + V0. 2 + 1 = 3, 3P0V0. 3P0V0 means second option, hence option second is correct. क्वेश्चन नंबर 20 रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें एक ट्राइंगल प्रिज्म गिवन है. एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से TIR हुआ और अगेन TIR हुआ. TIR हुआ तो इस सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉल्व कर लें. क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल 90 है और साथ में आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है, विच मीन्स ये एंगल भी 45 हो गया. TIR की कंडीशन होती है I > IC, I की जगह 45 रख के सॉल्व करें एक्सप्रेशन को, तो दोनों तरफ साइन ले लें. साइन 45 इज 1/√2, साइन IC इज 1/μ, हेंस μ इज ग्रेटर देन रूट टू. क्वेश्चन से इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू √2 है, ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है, हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21 में दो मेटेलिक स्पीयर्स डिफाइंड हैं. एक पर चार्ज गिवन है +Q, बड़े स्पीयर को ग्राउंडेड किया गया है. क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि इफ ए इज गिवन चार्ज क्यू व्हाइल बी इज अर्थ देन व्हाट विल हैपन. अगर ए को चार्ज +Q दिया गया तो बी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा -Q. ए पर चार्ज है +Q, बी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया -Q. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर बाहर सॉल्व करें, से यहाँ कहीं एक पॉइंट सी मान लें और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी अंदर वाले स्फीयर के कारण सॉल्व करेंगे तो इट विल बी KQ/R², बाहर वाले के लिए सॉल्व करेंगे सेकंड स्फीयर के लिए तो KQ/R² 0, विच मीन्स बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी लेकिन दोनों सर्फेसिस के बीच में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट होगी. थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट 0. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट 0, विच मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. ट्वेंटी वन के बाद चलें 22 पर. इज फ्रॉम वेव थियोरी. 23 सेज अ रेसिंग कार मूविंग टुवर्ड्स अ क्लिफ साउंडेड इट्स हॉर्न. क्लिफ मीन्स माउंटेन कह सकते हैं, ये एक रेसिंग कार है. द ड्राइवर ऑब्जर्व्स दैट द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द हिल हैज अ पिच 1 ऑक्टेव हायर. ऑक्टेव हायर मीन्स फ्रीक्वेंसी डबल. जो वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी डबल सुनाई देती है. रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक्सप्रेशन से इज N V + V0 / V - VS.
कार सोर्स है, ड्राइवर ऑब्जर्वर है, दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, दैट मीन्स वी नॉट और वी एस सेम है। तो इस एक्सप्रेशन में वी नॉट और वी एस सेम रखेंगे। रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी डबल है, वी नॉट और वी एस सेम रखें। क्वेश्चन के लिए पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स रख के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो दिस इज वी इज इक्वल टू वी एस, या वी एस इज इक्वल टू वी बाई थ्री। सो दिस बिकम्स वी बाई थ्री। वी बाई थ्री मीन्स थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सो 22 के बाद मूविंग ऑन टू 24। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ए चार्ज क्यू इज 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सप्रेशन में गिवन है 4। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। वर्क डन पूछा है, वर्क डन इज गिवन बाय क्यू इन टू वी, एंड वी इज गिवन बाय, सिंस ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, सो वी कैन बी रिटन एज ई डॉट डी आर। चार्ज इज बिंग गिवन एज 1 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है, सो दिस विल बिकम 8 जूल। 8 जूल मीन्स ऑप्शन थर्ड। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन में 8 दिया हुआ है।